हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिडास से। एडिडास से मैं आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग सीखूंगा कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉन फोटो ट्रेडिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देख लाइक, और आप अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देता रहता हूं। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं फाइनली स्क्रीन पर आ चुका, तो मैंने पहले लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद स्क्रीन को रोटेट कर लिया। तो सिंपली जो लाइट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा एक्सपोजर को डाउन करेंगे अराउंड 0.9। तक माइनस कर लिया। जो कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। कॉन्ट्रास्ट को कर लिया 9 तक। जो हाईलाइट जो है उसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, कि फोटो में थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा लग रहा है, तो इसको माइनस करेंगे 12 तक। जो शेडोज जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे फोटो में, क्योंकि थोड़ा सा लाइट चाहिए मुझे फोटो में, वो थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ फोटो में। तो इसको अराउंड 42 तक कर लिया। जो व्हाइट्स जो है उसको माइनस करेंगे -10 तक। फिर चले जाएंगे ब्लैक्स में, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे ब्लैक्स को, क्योंकि ज़्यादा मुझे लाइट चाहिए फोटो में। फिर मैंने 20 राउंड कर लिया 20 तक। फिर चले जाएंगे कलर वाले टूल में, तो सिंपली जो टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि जो बैकग्राउंड का लाइट जो है, कलर जो है, थोड़ा सा मुझे चाहिए बैकग्राउंड का, तो मैंने इसलिए कर लिया 6 तक। जो टिंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो मैंने कर लिया 3। और जो वाइब्रेंस जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड का जो कलर है उसको थोड़ा सा चाहिए मुझे ग्रीन कलर, तो इसलिए मैंने वाइब्रेंस को कर लिया 31। फिर सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर अच्छा लगेगा, 10 तक कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो कलर टोन आ चुका है मेरे फोटो में। तो सिंपली मिक्स वाले टूल में जाएंगे, जो फास्ट का कलर है, तो इसको सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और जो लिमिनस जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे अराउंड 11 तक। फिर आ जाएंगे येलो कलर में, येलो कलर में टैप करके आ जाएंगे, तो सिंपली येलो का जो ह्यू है उसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, थोड़ा सा नहीं 62 तक कर लेना है आपको, -62। जो सिचुएशन जो है उसको थोड़ा सा प्लस करना है, -51 तक कर लिया प्लस। और जो लेमोनस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 37 तक। तो मैंने कर लिया 37। फिर आ जाएंगे ग्रीन वाले टूल में, तो ग्रीन में आने के बाद जो ह्यू है इसको माइनस कर देंगे 100। देख सकते हो येलो टोन आ चुका है फोटो में। फिर जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे पूरा येलो नहीं चाहिए फोटो में, हल्का सा येलो टोन चाहिए मुझे फोटो में, तो इसलिए जो ग्रीन है उसको 33 तक कर लिया। और जो ल्यूमिनस, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो जो ल्यूमिनस जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि लाइट मुझे कम लग रही है फोटो में बैकग्राउंड का, तो मैंने कर लिया 29 तक, ल्यूमिनस को बढ़ा लिया। देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर टोन आ चुका है फोटो में। तो सिंपली यहाँ पे और कुछ कलर को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपली ब्लू कलर में आएंगे, क्योंकि जो टी शर्ट का कलर है उसको चेंज करना है मुझे। इसको माइनस कर लेंगे 73 तक। जो टी शर्ट का कलर है चेंज हो रहा है, तो मैंने कर लिया 73 तक, 74। और जो सिचुएशन है उसको भी प्लस करेंगे थोड़ा सा, 55 तक। जो लेमन है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हो, लाइट आएगा
टी शर्ट के अंदर जो टी शर्ट है उस पर लाइट आ जाएगा। इसको अराउंड 38 तक कर लेते हैं, 38। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा जो कलर टोन आ चुका है, येलो टोन डन कर लेंगे और इफेक्ट वाले टोन में जाएंगे। यहाँ पे क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है अराउंड 10 तक, सॉरी क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाना है, डीएस को बढ़ा दिया, थोड़ा सा डीएस को बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपका इस तरह का फोटो है तो डीएस को आप बढ़ा के ऐसा कर सकते हो, तो मैं डीएस को कुछ नहीं करूँगा। तो पहले टिक्सर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अराउंड 20 तक जो क्लैरिटी है उसको भी करना है थोड़ा सा कम, क्लैरिटी को 7 कर लेते हैं। और जो बिगनेट है उसको थोड़ा दे देते फोटो में काफ़ी अच्छा क्लासिक लुक आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिगनेट मिल जाएगा फोटो में साइड, तो ज़्यादा नहीं देंगे तो फोटो ख़राब हो जाएगी। तो इसको देना है 12 तक, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर टोन आ चुका फोटो में। और फोटो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे और ओके कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल गाइज़।